हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी मित्रों का आपके अपने यूट्यूब चैनल यस एस एजुकेशन स्टडी पर। तो दोस्तों, सबसे पहले तो हम आपको ये बताएंगे कि हम आपके लिए लेके आए हैं मास्टर क्लास ट्रिपल सी एग्जाम्स के लिए, जिनका अभी एग्जाम 6 से लेकर 8 यानी 14 तक है। यानी नवंबर में जो एग्जाम है, 6 को भी है, एक 8 को भी है। यानी जिस जिस दिन एग्जाम है भाई, हमें सारी तिथियाँ तो पता नहीं है, क्योंकि जिसके पास एडमिट कार्ड होंगे उनको पता होंगी, लेकिन जो आपके नवंबर में एग्जाम है उसके लिए मास्टर क्लास ये आपकी फर्स्ट है, जिसमें आपको टॉप 100 बताएंगे। एक आपकी मास्टर क्लास आपको कल मिलेगी। आपका 6 तारीख से एग्जाम स्टार्ट है, तब तक आपको कम से कम 3 से 4 मास्टर क्लासें मिलेंगी। उनसे आप लोग जरूर पढ़ के जाइएगा। क्वेश्चन हर प्रकार का क्वेश्चन होगा, और ये 100 क्वेश्चन आप जरूर देखिएगा, पूरा वीडियो को अंत तक देखिए। अगर किसी क्वेश्चन में कोई दिक्कत हो उसको नोट कर लेना दोबारा से पढ़ने के लिए। और हम आपको ये भी बता देंगे, इस पीडीएफ को अगर आप चाहिए हो, आपको ये पीडीएफ तो कैसे मिलेगी, पूरे वीडियो में आप अगर रहेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि पीडीएफ कहाँ से मिलेगी, कैसे मिलेगी। आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगी, पैसा कोई भी नहीं, फ्री ऑफ कॉस्ट पूरी मास्टर क्लास की पीडीएफ। ये और जितनी भी मास्टर क्लास हम लेंगे सारी पीडीएफ आपको फ्री में प्रोवाइड भी कराएंगे। तो पहला क्वेश्चन क्या है, डीटीपी दर्शाता है। तो डीटीपी क्या दर्शाता है, तो सही आंसर आपका रहेगा डॉट पर इंच। देखो, हमने पीडीएफ में आंसर भी इस प्रकार लिखे हुए हैं सामने, जिससे कि आपको जब पीडीएफ मिले तो आपको कोई दिक्कत ना हो, आप तुरंत पढ़ पाए, सामने आंसर हो, तुरंत आंसर को देख पाए। तो इस प्रकार का पीडीएफ है, फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। पूरे वीडियो में रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, दोस्तों को शेयर करिए, ताकि उन लोग को भी पता चले कि हम आपको फ्री में पीडीएफ प्रोवाइड कराते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, कंप्यूटर स्क्रीन पर ब्लिंक करने वाले प्रतीक को कहते हैं, क्या कहते हैं, तो सही आंसर रहेगा कर्सर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, VGA का फुल फॉर्म क्या है, तो सही आंसर आ गया वीडियो ग्राफिक्स एरे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, टैब बटन का प्रयोग किया जाता है, तो टैब बटन का प्रयोग किस लिए किया जाता है, तो सही आंसर आएगा उपरोक्त तो सभी, कर्सर को एक निश्चित दूरी तक लाने के लिए, टेबल या एक्सेल में एक खाने से दूसरे खाने में जाने के लिए, डायलॉग बॉक्स में विकल्पों के चयन में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कंट्रोल आल्ट और डेल बटन का एक साथ प्रयोग किया जाता है, तो ए कंप्यूटर को रीसेट करने के लिए आप कंट्रोल अल्ट प्लस डेल दबा देंगे, तो कंप्यूटर जो जो है आपका वो रीसेट हो जाता है। अगला है आपका, वस्तुनिष्ठ उत्तर पुस्तिकाओं को जांचने के लिए प्रयोग किया जाता है, तो OMR, ये तो सभी को पता होगा, OMR प्रयोग किया जाता है, OMR शीट हम लोग भरते हैं ना। अगला क्वेश्चन है, डिजिटल कैमरा में प्रयोग होता है, तो सही आंसर आएगा फोटो डायोड। नेक्स्ट है, मॉनिटर की गुणवत्ता की पहचान की जाती है, तो उपरोक्त सभी के द्वारा, यानी डार्ट पिच से, रेजोल्यूशन से, रिफ्रेश रेट से। नेक्स्ट है आपका, इंक जेट प्रिंटर के रंगीन स्याही के बाटल में मूल रंगों की संख्या होती है, तो बी यानी 3 होती है। नेक्स्ट है, लेजर प्रिंटर में प्रयोग होता है, तो क्या प्रयोग होता है, उपरोक्त सभी होते हैं, लेजर बीम भी, प्रकाशीय ड्रम भी, आवेशित स्याही टोनर भी, यानी ये तीनों प्रयोग किए जाते हैं लेजर प्रिंटर में। अगला है, निम्न में से कौन सी एक यंत्र सामग्री नहीं है, तो आंसर रहेगा डी प्रचालन यंत्र, ये यंत्र सामग्री नहीं है, प्रिंटर कीबोर्ड माउस सारे यंत्र सामग्री हैं कंप्यूटर के। अगला है, दो प्रचलित आउटपुट डिवाइस हैं, तो आंसर रहेगा मॉनिटर और प्रिंटर, ये प्रचलित आउटपुट डिवाइस हैं। स्कैनर क्या होता है, इनपुट हो जाता है। अगला है, ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज में जाने के लिए प्रयुक्त माउस में माउस टेक्निक क्या होती है, ये आपको बताना है, तो राइट क्लिक। नेक्स्ट है आपका, कंप्यूटर की समस्त सूचना या आउटपुट देखने के लिए किस डिवाइस का प्रयोग किया जाता है, तो मॉनिटर का। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा आउटपुट का एक माध्यम है, तो सही आंसर आएगा प्रिंटर। देखो, अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो भाई लाइक शेयर जरूर कर दीजिए, आपके पास जो भी ग्रुप है, आपके पास जो भी नंबर है, आपके दोस्त जो ट्रिपल सी की तैयारी कर रहे हैं उनको शेयर कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अपने दोस्तों को शेयर करने के बाद चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए भाई। अगला है, कंप्यूटर सिस्टम में टेस्ट और न्यूमेरिकल डाटा प्रवेश कराने की सर्वाधिक सामान्य पद्धति क्या होती है, तो कीबोर्ड होता है। अगला है, आउटपुट डिवाइसेस संभव बनाते हैं, तो क्या संभव बनाते हैं, डाटा देखना या प्रिंट करना। जैसे आउटपुट से आप कोई भी चीज होगी आउटपुट दे रही होगी, तो आपको डाटा मिलता है, आप डाटा देखते हैं। अगला है आपका, डॉक्यूमेंट की हार्ड कॉपी तैयार की जाती है, काय के द्वारा डॉक्यूमेंट की हार्ड कॉपी तैयार होती है, तो आपके सामने 4 ऑप्शन है, जो सही आंसर है वो है प्रिंटर के द्वारा डॉक्यूमेंट की हार्ड कॉपी आपको मिलती है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस समूह में केवल इनपुट डिवाइस हैं, जिसमें इनपुट डिवाइस हैं जैसे माउस है, कीबोर्ड, स्कैनर, सारे इनपुट हैं, और जैसे माउस तो इनपुट है लेकिन प्रिंटर जो है वो आउटपुट दे देता है, आउटपुट मॉनिटर भी हमको आउटपुट दे देता है, तो जो सारी स्कैन इनपुट डिवाइस थी वो आपकी क्या है, डी में।
अगला ही स्कैनर स्कैन करता है तो पिक्चर व टेस्ट दोनों को। नेक्स्ट है कंप्यूटर पर गेम खेलना आसान बनाता है, क्या बनाता है? जॉयस्टिक। सॉफ्ट कॉपी एक आउटपुट है तो हार्ड कॉपी क्या है? हार्ड कॉपी क्या होता है? प्रिंटेड आउटपुट। नेक्स्ट है कंट्रोल शिफ्ट तथा अल्ट को क्या कहते हैं? तो आंसर रहेगा मॉडिफायर की। अगला है किस उत्पाद पर प्रिंटेड लाइनों के पैटर्न को कहते हैं? तो बार कोड्स कहते हैं। जो इस तरीके की प्रिंटेड लाइनें होती हैं इनको क्या कहा जाता है? बार कोड। नेक्स्ट है किसी विशिष्ट कार्य को करने के लिए कौन सा बटन किसी दूसरे बटन के साथ कन्वेंशन में प्रयोग किया जाता है? तो सही आंसर आएगा कंट्रोल। ज़्यादातर कंट्रोल ही प्रयोग होता है सभी के साथ, कंट्रोल ए, कंट्रोल सी, कंट्रोल बी, कंट्रोल पी, तो कंट्रोल का प्रयोग होता है। अगला है इनमें से कौन उद्योग चुंबकीय स्याही गुण पहचान का प्राथमिक उपयोग करता है? तो सही आंसर आएगा बैंक। नेक्स्ट है आजकल सबसे अधिक प्रयुक्त होने वाली इनपुट डिवाइस क्या होती है? जो आजकल सबसे अधिक प्रयोग की जाती है तो वो है कीबोर्ड। कीबोर्ड का सबसे ज़्यादा प्रयोग होता है। माउस का लोग कम प्रयोग करते हैं, जैसे माउस कंप्यूटर में ही होता है, लैपटॉप में आदमी ऐसे ही काम चला लेते हैं, लेकिन कीबोर्ड ज़्यादा प्रयोग करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा लेजर प्रिंटर में प्रयुक्त होता है? तो सेमी कंडक्टर लेजर। अगला है निम्नलिखित में से कौन सबसे अधिक प्रयोग होने वाली इनपुट डिवाइस है? तो सी, यहाँ पर माउस है। अब देखो आपको बता दें, आपको जब माउस मिलेगा जिसमें उसमें कीबोर्ड नहीं मिलेगा। अभी बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन था, कीबोर्ड था उसमें माउस नहीं था, इसमें देखो कीबोर्ड नहीं है इसमें माउस ऑप्शन मिला। तो इस हिसाब से आप आंसर करिएगा, क्योंकि हमने अभी आपको बताया माउस का प्रयोग लैपटॉप में कम होता है, क्योंकि लैपटॉप में माउस का होता है, होता कीबोर्ड भी है, लेकिन कीबोर्ड इसलिए नहीं यूज करते हैं क्योंकि खराब ना हो जाए। लेकिन माउस वाला खराब नहीं होगा, उंगली रगड़ने से खराब नहीं होगा, लैपटॉप में बटन दबाने से बटने खराब हो सकती हैं, लेकिन कंप्यूटर में क्या होता है? कीबोर्ड होता ही नहीं है, कीबोर्ड अलग से लगाओ, माउस अलग से लगाओ, तो सब कुछ ज़्यादा यूज होता है। तो इसलिए ऑप्शन के हिसाब से आपको आंसर करने हैं। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा आउटपुट युक्त नहीं है? तो आंसर रहेगा डी, डिजिटल कैमरा। अगला है एक इंटेलिजेंट टर्मिनल की क्या विशेषता होती है? तो सही आंसर होगा इसमें माइक्रो प्रोसेसर होता है, किंतु यूजर द्वारा इसका प्रोग्राम नहीं किया जा सकता है, ये होती है विशेषता। एक अगला है एक समानांतर पोर्ट अधिकतर किसमें इस्तेमाल होता है? तो मुद्रक या प्रिंटर में। अगला है स्क्रीन पर डिस्प्ले किए गए पिक्सल्स की संख्या को कहते हैं, क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं रिजोल्यूशन। अगला है एक प्रकार के कैमरे जो कंप्यूटर के साथ लगे रहते हैं, जिनका उपयोग वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कामा वीडियो चैटिंग और लाइव वेब ब्रॉडकास्ट के लिए होता है, क्या कहलाते हैं? वेब कैम्स। अगला है ओसीआर का पूरा रूप क्या है? ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन। अगला है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस में स्टैंडर्ड पॉइंटिंग डिवाइस के रूप में प्रयोग में लाई जाती है, तो क्या लाई जाती है? माउस। अगला है कर्सर की मौजूदा स्थिति के बाईं ओर के एक कैरेक्टर को डिलीट करने के लिए किस बटन का प्रयोग किया जाता है? तो बैक स्पेस का। बैक स्पेस बटन दबाते हैं तो एक कैरेक्टर दो जितने डिलीट करो एक एक करके होती है। अगला है कीबोर्ड पर स्थित किन कुंजियों से नंबर जल्दी टाइप किए जा सकते हैं? तो सही आंसर है न्यूमेरिक कीपैड से, न्यूमेरिक कीपैड जो होता है उससे। अगला है कंप्यूटर मॉनिटर के डिस्प्ले का आकार मापा जाता है, तो काय में? आंसर आएगा डायगोनली में। अगला है खाली स्थान का प्रयोग हाथ से लिखे या मुद्रित टेक्स्ट तथा ग्राफिकल इमेज को डिजिटल रूप में बदलने के लिए किया जाता है, ताकि इसे मेमोरी में स्टोर किया जा सके। तो सी, काय का? स्कैनर का प्रयोग करते हैं, स्कैन कर लेते हैं मेमोरी के अंदर, फिर कर देते हैं। खाली स्थान बायस डाटा को शब्दों में बदलकर उसे डिजिटल टेक्स्ट में रूपांतरित करता है, ताकि उसे कंप्यूटर समझ सके। तो स्पीच रिकॉग्निशन सॉफ्टवेयर के द्वारा ऐसा होता है। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा आउटपुट और इनपुट डिवाइस दोनों ही हैं? तो सही आंसर आपका रहेगा प्रिंटर जो है वो आउटपुट इनपुट दोनों होता है, क्योंकि प्रिंटर से प्रिंट भी हो जाता है और जब कोई चीज़ स्कैन करते हैं तो स्कैन भी हो जाती है, तो दोनों डिवाइस हो जाता है। अगला है पहला कंप्यूटर माउस किसने बनाया? तो सही आंसर आएगा डगलस एंजलबर्ट ने। नेक्स्ट है इनमें से कौन सा पॉइंटिंग और ड्रा डिवाइस है? तो सही आंसर आएगा माउस। दूसरा है निम्नलिखित में से किस समूह में केवल आउटपुट डिवाइस हैं? तो प्लॉटर प्रिंटर मॉनिटर ये आउटपुट डिवाइस होती हैं। अब जैसे माउस हो गया इनपुट हो जाता है, प्रिंटर तो दोनों ही होता है इनपुट भी आउटपुट भी, कीबोर्ड इनपुट होता है, स्कैनर इनपुट होता है, प्रिंटर दोनों हो जाता है, मॉनिटर आउटपुट होता है। तो आपको बताना क्या था? सिर्फ आउटपुट। तो प्लॉटर प्रिंटर मॉनिटर ये दोनों, ये तीनों आउटपुट हैं। अगला है उस कुंजी को क्या कहते हैं जो कंप्यूटर की मेमोरी से सूचना और स्क्रीन करेक्टर को मिटा या इरेज कर देती है?
तो उसको कहते हैं डिलीट। डिलीट से भाई बिल्कुल खत्म हो जाता है, इरेज भी हो जाता है। अगला है ट्रैक बाल, उदाहरण है तो ट्रैक बाल काहे का है, पॉइंटिंग डिवाइस का। नेक्स्ट है माउस के दाएं बटन पर क्लिक करने से दिखाई देता है, तो क्या एक विशेष मेनू दिखाई देता है जब आप माउस के काहे पर दाएं बटन पर जब आप क्लिक करते हो। माउस के दो मानक बटनों के बीच स्थित व्हील का प्रयोग किया जाता है, तो काहे के लिए होता है इनमें से कोई नहीं, बे पेज पर क्लिक करने के लिए, शट डाउन करने के लिए, सिलेक्ट आइटम को क्लिक करने के लिए। ऐसे क्लिक किसी के लिए नहीं होता है, ऊपर नीचे आप उससे करते हैं, स्क्रॉल करने के लिए होता है, तो इनमें से कोई नहीं। अगला है सामान्यता पेरिफेरल इक्विपमेंट शब्द का प्रयोग किया जाता है, तो आंसर रहेगा एक कंप्यूटर सिस्टम के साथ जोड़े गए किसी डिवाइस के लिए। तो अब हम आपको ये बता दें आपको ये PDF आपको कैसे मिल सकती है, बाद में आप पढ़ सकते हो। 7355106213 पर आप व्हाट्सएप करना और आपको ये PDF प्रोवाइड हो जाएगी। क्वेश्चन क्या है, डम्ब टर्मिनल है, तो आंसर रहेगा नगण्य इंटेलिजेंस वाला टर्मिनल। नेक्स्ट है CD ROM का पूर्ण रूप क्या होता है, तो कंपेयर डिस्क रीड ओनली मेमोरी CD ROM। कंप्यूटर में स्मृति का प्रकार नहीं है, तो सर्वर जो होता है वो स्मृति का प्रकार नहीं होता है। अगला है ऐसे एप्लीकेशन के लिए मैग्नेटिक टैप प्रैक्टिकल नहीं है जिनमें डाटा शीघ्र रिकॉल किया जाना है क्योंकि टेप है, तो आपको आंसर बताना है सिक्वेंशियल एक्सेस मीडियम। ऐसे एप्लीकेशन आपको बताने थे जिसमें मैग्नेटिक टेप प्रैक्टिकल नहीं है, तो आंसर रहेगा सिक्वेंशियल एक्सेस मीडियम। अगला है जब आप PC पर किसी डॉक्यूमेंट पर कार्य करते हैं तो डॉक्यूमेंट अस्थायी रूप से कहाँ स्टोर किया जाता है, तो सही आंसर होगा रैम में। नेक्स्ट है कंप्यूटर में रैम का तात्पर्य क्या है, तो सही आंसर होगा रैंडम एक्सेस मेमोरी होती है रैम। अगला है पूर्ण रूप भी होता है रैम का। अगला है कंप्यूटर हार्डवेयर जो आंकड़ों के बहुत अधिक मात्रा का भंडारण कर सकता है कहलाता है, क्या कहलाता है, ए भी दोनों, चुंबकीय टेप भी और डिस्क भी। अगला है कंप्यूटर हार्डवेयर जो सिलिकॉन का बना होता है आंकड़ों को बहुत अधिक मात्रा में भंडारण में रख रखता है, क्या कहलाता है, वो चिप कहलाता है, सिलिकॉन की बनी होती है। अगला है पेन ड्राइव है, तो इलेक्ट्रॉनिक मेमोरी होती है पेन ड्राइव। अगला है कैश मेमोरी का प्रयोग किया जाता है, तो काहे के लिए, मेमोरी व प्रोसेसर के बीच गति अवरोध को दूर करने के लिए कैश मेमोरी का प्रयोग करते हैं। अगला है कंप्यूटर में एक अनुप्रयोग से दूसरे अनुप्रयोग में सामग्री का अंतरण क्या कहलाता है, तो आंसर रहेगा डायनेमिक डाटा एक्सचेंज। नेक्स्ट है पेन ड्राइव है, तो आंसर रहेगा सी, एक हटाई जाने वाली द्वितीय भंडारक इकाई। देखो एक पेन ड्राइव वहां पर पूछा गया था, इलेक्ट्रॉनिक मेमोरी होता है, एक पेन ड्राइव यहाँ। अब देखो चीजें दोनों एक ही हैं, लेकिन आपको ये है कि ऑप्शन के हिसाब से आंसर करना है। अगला है रजिस्टर उच्च गति स्मृति तत्व है जो स्थित होते हैं, तो काहे में, रोम या ईपीराम में। अगला है रिजेबल ऑप्टिकल स्टोरेज का एकारेनिम है, क्या होता है, CD रॉम। कंप्यूटर का इनबिल्ट मेमोरी है, तो होता है रोम, इनबिल्ट मेमोरी रोम होती है कंप्यूटर की। CD पर आप क्या कर सकते हैं, तो सही आंसर होगा पढ़ना और लिखना दोनों कर सकते हैं CD पर। फाइल को सेव कर कंप्यूटर बंद बंद कर देने पर डाटा यथावत रहता है सेकेंडरी स्टोरेज में। अगला है निम्नलिखित में से कौन सी मेमोरी का सबसे कम एक्सेस समय है, तो सही आंसर रहेगा कैश मेमोरी का। अगला है वर्चुअल मेमोरी का आकार निर्भर करता है, तो वर्चुअल मेमोरी का आकार जो है वो डिस्क स्पेस पर निर्भर करता है। नेक्स्ट है एक डिवाइस को डाटा और इंस्ट्रक्शन लोकेट करने और उन्हें CPU में को उपलब्ध कराने में लगा समय क्या कहलाता है, एक्सेस टाइम कहलाता है। अगला है इनमें से सबसे तेज मेमोरी क्या है, वो कैश होती है, सबसे तेज मेमोरी कैश। नेक्स्ट है किसी स्टोरेज मीडियम में स्टोर की जा सकने वाली डाटा की अधिकतम मात्रा को क्या कहते हैं, तो आंसर रहेगा स्टोरेज क्षमता। नेक्स्ट है CD RAW का पूरा रूप क्या होता है, तो कॉम्पैक्ट डिस्क रे राइटेबल। नेक्स्ट है जब पावर ऑफ या बंद कर दी जाती है तो यह मेमोरी अपने डाटा या कनेक्ट कंटेंट खो देती है, इसे कहते हैं, क्या कहते हैं, वोलेटाइल अस्थाई मेमोरी। वह डाटा जो मेमोरी में निर्माण के समय ही रिकॉर्ड किया गया हो और उसे प्रयोक्ता परिवर्तित या मिटा नहीं सकता कहलाता है केबल रीड। अगला है रैम अस्थाई मेमोरी है, क्योंकि क्या होता है इसमें डाटा बनाए रखने के लिए लगातार पावर सप्लाई की जरूरत होती है रैम में। जब इसमें बिजली बंद हो जाती है तो भी मेमोरी के डाटा या कंटेंट्स नष्ट नहीं होते, काहे में, उपरोक्त सभी में, EEPROM में, EEPROM और रोम में, EEPROM और EEPROM और रोम में। अगला है कंप्यूटर की स्मृति सामान्य तौर पर किलोवाट या मेगावाट के
बाइट के रूप में व्यक्त की जाती है। एक बाइट बना होता है तो 8 द्विआधारी अंकों का बना होता है एक बाइट। अगला है 1 किलोबाइट बराबर होता है, आपको पता होगा 1 KB बराबर का क्या होता है, सभी को पता होगा 1024 बाइट्स। कंप्यूटर भाषा में 1 मेगाबाइट में कितने बाइट होते हैं, तो 10^48,576 बाइट होते हैं 1 मेगाबाइट यानी 1 MB में। बाइट पूछा गया, 1 MB में KB नहीं पूछी गई थी, अगर आपसे KB पूछा जाता तो आप 1024 KB कर देते। अगला है 8 बिटों के समूह को क्या कहते हैं, बाइट कहते हैं, यानी 1 बाइट बराबर 8 बिट होता है। अगला है 1 बाइट में कितने बिट्स होते हैं, देखो आ गया वही 8 होते हैं आपके। अगला है इनमें से कौन कंप्यूटर में प्रयुक्त अंक पद्धति है, तो उपयुक्त तीनों हैं, द्विआधारी, ऑक्टिकल, ऑक्टल और हेक्सा डेसिमल। नेक्स्ट है आपका बिट क्या है, तो कंप्यूटर मेमोरी की सबसे छोटी इकाई होती है बिट। 1 बाइट्स इक्वल टू 8 बिट जो आपका होता है, अभी पढ़ा था। कंप्यूटर में शब्द की लंबाई को मापा जाता है तो बाइट में। नेक्स्ट है कंप्यूटर मेमोरी की क्षमता को मापते हैं, बाइट में मापते हैं। अगला क्वेश्चन है बिट का मतलब है, तो बाइनरी डिजिट होता है बिट का मतलब। प्रत्येक कंप्यूटर के कीबोर्ड के प्रत्येक की ASCII होती है जिसका पूर्ण रूप है, तो बी होगा अमेरिकन स्टैंडर्ड कोर फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। नेक्स्ट है सुपर कंप्यूटर के लिए शब्द लंबाई की परास होती है, तो 64 बिट तक। नेक्स्ट है कंप्यूटर में डाटा स्टोर करने तथा गणना के लिए किस नंबर सिस्टम का प्रयोग होता है, तो सही आंसर होगा आपका बाइनरी का, बाइनरी नंबर। अगला है पद MB प्रयोग किया जाता है, तो बी मेगाबाइट्स के लिए। नेक्स्ट है 10 लाख बाइट्स लगभग होती हैं, तो काहे के मेगाबाइट्स के बराबर, अभी पढ़ा था 10,24,000 करके था। अगला है निम्नलिखित में से स्टोरेज का सबसे बड़ा यूनिट कौन सा है, तो आंसर रहेगा GB होता है यहाँ ऑप्शन के हिसाब से, और इससे भी बड़ा एक आपका TB होता है, टेराबाइट, सबसे बड़ा टेराबाइट होता है, याद रखना। अगला है बड़े से छोटे के क्रम में निम्नलिखित में से कौन सा सही है, तो डी सही है। देखो अभी आपको बताया टेराबाइट, फिर गीगाबाइट, मेगाबाइट, किलोबाइट, फिर आपका होता है बाइट्स, फिर होता है बिट। अगला है कंप्यूटर संक्षिप्ताक्षर KB का सामान्यतः अर्थ क्या होता है, सही आंसर होगा किलोबाइट, अभी आपको बताया ऊपर वाले में। अगला है सबसे ज्यादा प्रयोग में आने वाला कोड कौन सा है, प्रत्येक कैरेक्टर को विशिष्ट 8 बिट कोड के रूप में निरूपित करता है, तो वो होता है यूनिकोड। अगला है कंप्यूटर में एक निबल कितने बिट को निरूपित करता है, तो एक निबल होता है वो 4 बिट के बराबर होता है, एक निबल 4 बिट के बराबर, याद रखना। अगला है एक हल्का संवेदनशील डिवाइस जो चित्रकारी कम मुद्रित पाठ या अन्य छवियों को डिजिटल रूप में परिवर्तित करता है, वो होता है स्कैनर। अगला है कितनी पीढ़ियों में कंप्यूटर को वर्गीकृत किया जा सकता है, तो आंसर रहेगा सी 5 पीढ़ियों में। नेक्स्ट है कंप्यूटर निम्न सर्किट का मेमोरी डिवाइस के रूप में प्रयोग किया जाता है, आंसर रहेगा फ्लिप फ्लॉप। तो दोस्तों इतने ही आपके क्वेश्चन थे, ये टॉप थे 100 बस। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, आप हमारे चैनल SS एजुकेशन स्टडी को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को भी प्रेस करिए, और आप प्ले लिस्ट में आइएगा, वहाँ पर आपको प्ले लिस्ट चेक करने पर आपको मिल जाएगी SSS के नाम से और एक नवंबर एग्जाम्स के नाम से, वहाँ से आप लोग वीडियो देख सकते हो। कई चीज़ें आपकी कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चन, हर प्रकार के क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू दोस्तों, जय श्री कृष्णा, जय माता दी। इससे पहले आपको एक चीज़ और बता दें, मेरा नाम शिवजीत सिंह है और अन अकेडमी पर हम पढ़ाते हैं, एजुकेटर हैं। आप लोग हमें अन अकेडमी पर भी, अगर लाइव क्लास आप लोग लेना चाहते हो किसी भी एग्जाम्स के लिए, जैसे TET, CTET, MPTET, सुपर टेट, तो आप लोग आ सकते हो, लाइव क्लास भी ले सकते हो। तो थैंक यू दोस्तों, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।